7 into 2 और ये 486 ये वाला आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये गायब हो जाएगा ना सीधा, तो क्या आ जाएगा 486 बाई 728 इंटू 2 इज इक्वल टू A3 की पावर n माइनस 1 बाई A3 की पावर n माइनस 1। इतना क्लियर है? यस सर। अब जो कट रहा होगा ये किससे कट रहा है? 243 से कट रहा है। अब 243 और 728 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो मालूम तो, लेकिन ये तो देख के ऑब्जर्व हो पा रहा है ना। 243 बाई 728 मैं चाहूं तो प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं प्रॉपरली सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। दिख रहा है ना सीधा कि n का वैल्यू क्या होगा? 6। क्लियर है ये? देखो ना, अगर 6 होता तो 2, ये 5। मैं तो ऑब्जर्वेशन किया कि अगर 6 डालूंगा तो 3 की पावर 6 729 होता है, माइनस 1 होता है, 728 आ जाएगा और ये 3 की पावर 5 हो जाएगा 243। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। हाँ समझा। इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? कहीं पर भी नहीं है ना? नहीं है, मोस्टली नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन क्या कर लेंगे, 243 इज इक्वल टू 3 की पावर n बाई 3 इंटू 2, अपन ने सीखा था ना शुरू में, वही अप्लाई करेंगे और क्या, इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा 732 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n 728। ये क्लियर है अभी? ठीक है। yes, तो कितना आ गया, 4 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 732 गया उधर, 732 बाई 243। n का वैल्यू 5 आ गया मेरा, यहां कुछ गलती करी क्या, एक बार चेक करो कैलकुलेशन, गलती कुछ करी है? सर 243 इंटू 3 का वीडियो चला गया सर, वीडियो। हाँ 243 इंटू सर 4 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा सर 243 इंटू 3 में 83 आया, 243 कुछ गलती, हाँ कुछ गलती करी मैंने, 243 इंटू 3 में, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा इससे भी एंड, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बोलो, कॉपी करो। सर 23 भी वैसा ही टाइप का है? हाँ ठीक है सर। बोलो बोलो, पूछो नेक्स्ट। ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री सेम एज 22 है, फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है ना, तो ए का वैल्यू 7 है, लास्ट टर्म 448 दिया हुआ है, 448 इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। और यहां पर 7 दिया हुआ है, मैथ्स इज अ आर्ट ऑफ राइटिंग द इंग्लिश इंटू सेंस, और सम इज 889, तो 889 इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, अभी ए का वैल्यू 7 है ना, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, बताओ कितना आ रहा है, 127 आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। और यहां से ये भी डिवाइड हो रहा है क्या, 764, ठीक है।
तो 64 इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे कैसे, आर इंटू आर की पावर एन माइनस वन, माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो 64 रिप्लेस कर देंगे, 64 आर माइनस वन बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू 127। अरे ये क्लियर है क्या, है ना, तो क्या हो जाएगा 127 इज इक्वल टू 64 आर माइनस वन, तो ये इधर चला जाएगा 126 और ये हो जाएगा 63 आर, आर इज इक्वल टू 2। मैथ्स इज अ आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इंग्लिश टू द इक्वेशंस। सर कौन सा सम है ये नंबर, क्या बेटा सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23rd शायद किसी ने पूछा था, नेक्स्ट बोलो। ट्वेंटी सिक्स बताओ क्या कह रहा है, क्यों 26 कह रहा है कि एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी प्लस आर टू पी वगैरह वगैरह टिल इन्फिनिटी, और छोटा एस पी इज इक्वल टू 1 माइनस आर पी प्लस आर की पावर 2 पी, और अगर इन्फिनिटी तक दिया है तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि आर जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव क्या करना है बताओ, एस पी प्लस एस पी इज इक्वल टू 2 एस 2 पी, ये बात समझ में आती है, हेलो यस सर, यस सर, तो ये तो है ही है और ये भी है, मुझे बताओ एस टू पी क्या होगा, एस टू पी क्या होगा बताओ, तो एस पी का मतलब क्या है, ऐसा जीपी जिसका कॉमन रेशियो कितना है, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, आर एस टू पी, आर एस टू पी, एस टू पी का मतलब क्या होगा, ऐसा जीपी इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर एस टू टू पी, आर एस टू टू पी, तो इस सीरीज का सम ये एस टू पी कह रहा है, ठीक है, अब एस पी कितना होगा बताओ, तो एस पी का आंसर क्या होगा, इस सीरीज का सम क्या होगा, ए बाई वन माइनस आर, और छोटा वाला एस पी क्या होगा, ए बाई वन प्लस आर की पावर पी, अरे ये बात समझ में आती है क्या, इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है, सर यस सर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, एस पी प्लस एस पी कर देंगे, कितना आ जा रहा है बताओ, 1 बाई 1 माइनस आर की पावर पी प्लस 1 प्लस आर की पावर पी, बोलो क्लियर है ये, yes, yes, तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 प्लस आर पी प्लस 1 2 बाई 2 बाई 1 माइनस आर की पावर 2 पी, है ना, बाय द वे एस टू पी क्या होगा बताओ, तो ए बाई 1 माइनस आर, ये क्लियर है, तो हो गया ना प्रूफ, कि ये जो वैल्यू आई है इससे मैच करोगे तो क्या दिख रहा है बताओ, 2s2p दिख रहा है ना, सर समझे क्या, यस सर, नेक्स्ट बोलो सर, एक मिनट कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लो, हाँ नेक्स्ट बोलो,
सेम क्वेश्चन तो एपी में भी किया था. चलो ठीक है. पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपी बी ए बी सी. तो जीपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो. ठीक है, तो ए क्या होगा बताओ? ए आर की पावर पी माइनस वन. ठीक है, बी क्या होगा बोलो? ए आर की पावर क्यू माइनस वन. सी क्या होगा बोलो? ए आर की पावर आर माइनस वन. इतना क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है. देखो भाई, जीपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो. एपी का क्या होता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. ठीक है. और विदुषी, तुमने भी डाउट पूछा है बेटा. क्या सर? डाउट तुमने भी पूछा है ना? हाँ सर. बेटा ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके भेजा हुआ है अप्रैल में. ठीक है, चलो ये आ गया. ठीक है, अब क्या करना है? ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, इसको इक्वल टू वन प्रूव करना है. इतना क्लियर है? यस सर. तो ए की पावर कैसे करें बताओ फिर. सर, ए और बी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे. यस, वी विल डू बाय टू वेज. वी विल डू टुडे बाय टू वेज. मेथड वन, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. ए की पावर आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर. बी का वैल्यू ए की पावर आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी. और सी का वैल्यू ए आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू. ये बात समझ में आती है? हाँ. है ना? Yes, और अच्छा विदुषी. Yes. हाँ, आपका पेस में टेस्ट वेस्ट चल रहा है ना, नाइन टेंथ वाला? सर पेस के मैंने डिस्कंटिन्यू कर दिया. डिस्कंटिन्यू कर दिया क्यों सर? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि वो आईजीएसओ के भी लेक्चर्स रख रहे थे, एफबी के भी लेक्चर्स रख रहे थे और आरएमओ के भी लेक्चर्स रख रहे थे, और वो स्कूल से सीधा बात हो जाते थे, और फिर वो उनका सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा. अच्छा ठीक है, फिर मैं क्लास के बाद फिर एटलीस्ट मेरे अपने अभी मैं भी करा रहा हूँ. ये वेडनेसडे का एग्जाम होता है और एक सैटरडे का एग्जाम होता है, दो ऑब्जेक्टिव पेपर्स, तो वो देखती रहेगी तो टच में रहेगी. ठीक है, ए आर की क्या बोल रही है? ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप ही कराते हैं? हाँ, हर वेडनेसडे को होता है, हर वेडनेसडे सैटरडे को होता है. अच्छा, तो वेडनेसडे वाला तो ठीक है, सैटरडे वाला तो बोर्ड लेवल का होता है, लेकिन वेडनेसडे वाला थोड़ा अच्छे लेवल का होता है आरएमओ टाइप से, तो देखी जाती तो सही रहे. हाँ, तो टेस्ट देने में क्या ही है. रमेश सर से बात करिए, पेपर मंगाए. मैं कर देता हूँ. ठीक है, ए आर की पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर. ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? ए की पावर क्या हो जाएगा? क्यू माइनस आर. अरे भाई हेलो बोलोगे? आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू, और आर की पावर क्या जाएगा? पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर. अरे चमक रहा है क्या? आर की पावर क्या जाएगा? क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और यहाँ पे आर की पावर क्या जाएगा? आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू. बोलो भाई चमक रहा है? अब देखो तो ए का पावर क्या बन जाएगा बताओ? तो लॉ ऑफ इंडाइसेस शुरू में बहुत बार लिखवाया था, प्लस पी माइनस क्यू, है ना? और आर का पावर क्या बनेगा बताओ? पी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी, प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू, माइनस ऑफ क्यू माइनस आर, प्लस आर माइनस पी, प्लस पी माइनस क्यू. अरे इतना चमकता है क्या? यस सर. तो ये चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी? सब जीरो हो जाएगा ना, है ना?
और यहाँ हाँ पर ये सब कट जाएंगे ना, और यहाँ पर ये सब कट जाएंगे। ये बार चमक, एक बार काट के खुद से देख लो, एक बार काट के खुद से देख लेना। अरे इतना समझ में आता है क्या? हाँ सर आता है। मेथड टू देखो, मेथड टू में क्या करूंगा बताओ तो, अन्वेषा बताओ तो मेथड टू क्या करूंगा? हेलो यस सर, सर ए को कॉमन लेके। नहीं नहीं क्यू माइनस आर बनाएंगे उस दिन की तरह। क्यू माइनस आर कैसे बनेगा बोलो, क्यू माइनस आर कैसे बनेगा? बी बाई सी इज इक्वल टू आर की पावर क्यू माइनस आर है ना, बी बाई सी इज इक्वल टू आर की पावर क्यू माइनस आर। ये बात चमकती है क्या? है ना, तो क्यू माइनस आर क्या होगा? बी बाई सी, तो अपने पास q माइनस आर का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे q माइनस आर का वैल्यू बताओ? सर log r b by c। log, बढ़िया, log डाल दो। तो log b by c is equals to q माइनस आर log a, log r। ये चमकता है? ऐसे ही फिर आगे क्या आएगा बताओ तो? अरे बोलो, फिर ऐसे ही p माइनस q कैसे बनेगा? log c हो जाएगा ना। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, तो फिर फाइनली यहाँ बताओ कितना आ जाएगा अपने पास? तो ये क्या बन गया, q माइनस r कितना आ रहा है बोलो? log b माइनस, जरूरत नहीं था करने की, log b बाई c वन बाई log r। अरे ये चमकता है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही फिर b बाई सी किया ना, तो log a बाई सी कर लेते हैं, p माइनस r, r माइनस p चाहिए ना, r माइनस p कैसे आएगा? c बाई a, c बाई a इज इक्वल टू वन बाई log r। हा, r माइनस p इंटू log r, r माइनस p इंटू log r है ना। और फिर और क्या आएगा बताओ? log of a by b, a by b, log of a by b कितना होगा बोलो? p minus q, p minus log, q into log r, p minus q into log r है ना। ये तीन चीजें आएंगी, ठीक है? yes sir। अब क्या करें? अब कुछ मत करो ना, हमारे पास q minus r का वैल्यू आ गया, डाल दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा बताओ? a की पावर क्या लिखा हुआ है? ए की पावर q माइनस आर का वैल्यू रिप्लेस करोगे तो कुछ लिखा हुआ है ना यार अच्छे से, और ये सब कुछ बन, हाँ इससे कुछ अच्छा हो रहा है क्या बताओ तो? कुछ होगा अच्छा? एक बार कॉपी करके सब लोग सब्स्टिट्यूट करें, देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फालतू कर रही है। सर मुझे लॉग वाला जरा लंबा लग रहा। लंबा तो है ही है, लेकिन करके देखेंगे ना, कॉपी करो, लग के करके देखते हैं ना क्या आ रहा है। और आपके पास कोई छोटा मेथड नहीं है? एक मेथड तो ये है, ये तो सिंपल है, ठीक है। दूसरा ऐसा है, ये बार करो तो पहले, log b by c आ गए, वह वैल्यू पुट तो करते हैं, देखते हैं ना क्या हो रहा है। कि ये तो बहुत छोटा है, दो छोटे तो मेथड है, करना क्या है इसमें? यहाँ पे आके देखो तो क्या हो रहा है, डालो तो एक ही पावर log b by c, तुम लोग डालने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हो, कैसे होगा? log b by c बेस आर मान लेते हैं, और ऐसे ही बी की पावर में लॉग आर की पावर में क्या बन जाएगा बोलो? आर माइनस पी है ना, आर माइनस पी क्या है? सी बाई ए, और सी की पावर में लॉग आर, और इधर क्या है बताओ? ए बाई बी, ए बाई बी सर। हाँ अब बताओ, कुछ दिख रहा है किसी को कुछ होता हुआ? सर ए, ए लॉग बी बाई सी को ए को ऊपर लेके जाएंगे, कुछ होगा क्या? मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ, एक्सचेंज कर सकता हूँ कहोगे तो, एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी तो है ही हमारे पास।
हो गया ना, तुम्हें चिंता क्यों कर रहे हो? देखो ना, तुम तो फालतू चिंता कर रहे हो। ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बी और ए लॉग सी, यही लिखा है ना, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। और यहाँ क्या लिखा है बताओ तो, बी लॉग सी बाई बी लॉग ए। अरे चमकता है कि नहीं चमकता है, दिख रहा है? हाँ सर, सबको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? हेलो, सी लॉग ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सी लॉग बी आएगा ना। अब बताओ इसमें से कौन कौन कटने वाला है? सर ए लॉग बी और बी लॉग ए कटेगा। बढ़िया, हो गया ना। और ये कटेगा और ये क्यों कटेगा? एक प्रॉपर्टी थी लॉग की, कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? बेस चेंजर। बेस चेंजर नहीं था, ए लॉग बी वाला ना। क्या हुआ, ये था ना एक्सचेंज वाला करने वाला है ना, कि 5 log 10 7 क्या हो जाता था, 7 log 10 5 है ना। हाँ सर, कॉपी करो। सर हो गया कॉपी। फाइव ए फाइव बी भी था कि फाइव ए तक ही था? सर फाइव ए तक ही था। और एनसीईआरटी में 9.1 और 9.2। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन लिखो। वीडियो चला गया, दो मिनट बेटा, डिस्चार्ज हो गया ना फोन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सर हाँ सर, आपने एक क्वेश्चन दिया था पहले कोई, हाँ हाँ, वन 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 वाला ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, करता हूँ उसको। एक क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड द प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशियो। सर वापस बोल सकते हो? हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट three terms of a GP is 13/12. The sum of first three terms of a GP is 13/12. The sum of first three terms of a GP is 13/12. And their product is -1.
फाइंड द कॉमन रेशियो. सर हो गया क्या है आंसर? सर दो है, माइनस फोर बाय थ्री और माइनस थ्री बाय फोर. सही. हाँ, तीन टर्म्स का सम दिया मैंने, तीन टर्म्स ले लो, ए ए आर और ए आर स्क्वायर ले लो तीन टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 दिया हुआ है. ठीक है, तो मैथ्स जो है आर्ट ऑफ मेकिंग द इक्वेशंस. ए क्यूब इंटू आर क्यूब -1 दिया हुआ है, तो इससे आ गया ए आर का वैल्यू -1 आ गया. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ए आर का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू आ जाएगा -1/r और प्लस आर इज इक्वल 13/12. तो इससे जो क्वाड्रेटिक क्या बन रही है बताओ, हमारे पास इससे जो क्वाड्रेटिक बन जाएगी वो क्या बन रही है बताओ. हेलो, 12r² + 25r + 12. क्लियर है क्या सर? क्लियर है. यस सर. इतने कम लोग का आंसर क्यों आया? क्वेश्चन लिखो. Sum of first three terms of GP. Sum of first three terms of GP is 39/10. The sum of first three terms. Sum of first three terms of a GP is 39/10, and their product is 1. Find the common ratio.
सर प्रोडक्ट क्या बोला आपने? प्रोडक्ट वन है वन. अरे सर एक बार पूरा रिपीट कीजिए ना. द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10. द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज वन. Find the term, find the common ratio. सर 2/5 और 5/2 आता है आंसर. सही आंसर. सबका आ गया है क्या? यस सर. नहीं सर सब लोग कर लो कर लो. हाँ जीपी में ए वाई आर ए और ए आर ले सकते हो. अरे हो गया क्या? यस सर. यस सर. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. आर का आंसर क्या आया है? 2/5 और 5/2. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. If AM, if arithmetic mean of two positive numbers is 10, if arithmetic mean of two positive numbers A and B is 10 and geometric mean is 8, find the numbers. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना. करता हूँ. मतलब इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू सेम पॉजिटिव नंबर्स इज 8, दो नंबर है ए और बी, उनका अर्थमेटिक मीन जो है 10 है और उनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो फाइंड द नंबर्स. तो दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 16 और 4. 16 और 4 सर. दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A plus B by 2. A plus B by 2. और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट AB. ऐसा नंबर चाहिए ना यहाँ पे जो कि जीपी में रहे, है ना? तो क्या होगा? रूट AB. ये बात चमकती है.
हेलो एबी क्यों लिया? अच्छा चलो, दो नंबर्स हैं ए और बी, इनके बीच में एक एक अर्थमेटिक मीन डालना है, क्या होगा बताओ? ए ए और बी है ना, सच दैट ये किस में रहेंगे? एपी में। तो अगर ये एपी में रहेंगे तो क्या होगा? ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अगर यही दो नंबर में एक नंबर डालना है सच दैट ज्योमेट्रिक मीन हो तो क्या होगा? ए जी बी शुड बी इन जीपी। यस सर। तो जीपी के लिए कंडीशन क्या आएगी? जी बाई ए शुड बी इक्वल टू बी बाई जी। तो जी स्क्वायर कितना आ गया बेटा? ए बी। तो जी कितना आ गया? रूट ए बी। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ? ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। और रूट ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। सॉल्व करो इससे, ए और बी निकालो। सर आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा? 16 एंड 4 आया। 16 और 4। कैसे करते हैं ये? a प्लस बी का वैल्यू 20 है और ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 64 हो गया है ना। फिर b को रिप्लेस कर दो इसमें, कितना आ गया? a प्लस 64 बाई ए इज इक्वल टू 20। एक क्वालिटी बन गई ना, a स्क्वायर माइनस 20 a प्लस 64 इक्वल टू 0। तो a माइनस 16 a माइनस 4, तो 16 और 4 हो सकता है या 4 और 16। क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट लिखो। इफ द फोर्थ If the 4th, 10th and 16th, if the 4th, 10th and 16th term of a GP, if the 4th, 10th and 16th term of a GP are XYZ, are XYZ, prove that XYZ is in GP. Sir, question repeat kar sakte ho? If the 4th, 10th and 16th, if the 4th, 10th and 16th term of GP are XYZ, the 4th, 10th and 16th term of a GP are XYZ, prove that XYZ are in GP. सर ऐसे करेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो वो करेक्ट नहीं है क्या? आपकी
एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी ए और आर मान के और फिर सही है, वैसे ही करना। अच्छा हो गया सर, फिर यस सर हो गया। कुछ करना ही नहीं है। जीपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो एक्स क्या होगा बताओ, ए इंटू आर की पावर 3। वाई क्या होगा, ए इंटू आर की पावर 9। और जेड क्या होगा, ए इंटू आर की पावर 15, है ना। अभी जीपी में किसको चेक करना है? एक्स वाई जेड को जीपी में चेक करना है ना। That means y square should be equal to xz, जो कि true है ना यहाँ से। अरे ये clear है क्या? Yes sir. समझे? नहीं समझे? समझे sir. समझे sir. Next लिखो। कॉमन रेशियो को क्या बोले? संस्कार क्या बोल रहे बेटा? सर उसको कॉमन रेशियो से प्रूव करके किया मैंने। किसको? इसको? हाँ सर। हाँ चलेगा ना। x by y by x निकाल लो और z by y निकाल लो, r की पावर 6 आ रहा है कॉमन रेशियो, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नहीं समझा बताओ? जीपी का तुम्हारा जो है a और r है, ठीक है। तो x जो है फोर्थ टर्म है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, ए आर की पावर क्यूब। y की वैल्यू क्या होगी, ए आर की पावर 9। और z की वैल्यू क्या होगी, ए आर की पावर 15। ये क्लियर है? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अगर जीपी में देखना है x y z को, तो क्या होता है, y बाई एक्स शुड बी इक्वल टू z बाई वाई, है ना। That implies y square should be equal to xz. हो गया ना, y square कितना होगा, a square r की पावर 18। और xz कितना होगा, ar 3 ar 15। दोनों साइड ar की पावर 18 बन गया ना। हाँ सर। राज क्लियर है? राज राज मोरे क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लिखो। इफ द पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ, इफ द पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ टर्म ऑफ अ एपी, if the pth qth rth sth term of an ap are in gp, if the pth qth rth and sth term of an ap are in gp, prove that p minus q, q minus r, r minus s also in gp. repeat kar raha hu question. If pth, qth, rth and sth term of an AP are in GP, then show that P minus Q, Q minus R, R minus S also in GP. वापस से रिपीट करूं क्या? No, वापस रिपीट करना है कि नहीं करना है? नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन लिखो।
a plus bx by a minus bx is equals to b plus cx by b minus cx is equals to c plus dx by c minus dx. Prove that a b c d in GP. Prove that a b c d in GP. थर्ड क्वेश्चन लिखो ए वन बाई बी प्लस वन बाई सी बी वन बाई सी प्लस वन बाई ए सी वन बाई सर आपका वीडियो गया सर आपका वीडियो चला गया वापस हाँ वीडियो ब्लैंक है हेलो यस सर दिख रहा है बोर्ड में हाँ सर ब्लर दिख रहा है सर थोड़ा वो दो मिनट में ठीक हो जाएगा ठीक हुआ क्या यस सर यस सर हो गया हो गया सर ठीक सर करना चालू करें आप और क्वेश्चन दे रहे हैं नहीं करना चालू ही कर दो एक और देना चाह रहा था मैं फोर्थ ए बी सी इन जीपी एंड ए की पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वन बाई वाई सी की पावर वन बाई जेड प्रूव दैट एक्स वाई जेड इन एपी कॉपी कर ली सारे क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन ले लो फिफ्थ वाला
पी क्यू आर इन जी पी एंड इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर जी पी में ये एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू जीरो हैव कॉमन रूट देन शो दैट डी बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर इन ए पी. चलो अब सॉल्व करो. सर आपने डी ई एफ का कुछ कंडीशन दिया है? डी ई एफ पे कोई कंडीशन है ही नहीं है. बस कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है. बस पी क्यू आर पे ही कंडीशन है, ठीक है. डी ई एफ वाले पे कोई कंडीशन नहीं है. सर प्रूव दैट क्या है? प्रूव दैट डी बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर इन एपी, ठीक है. करो. सर सिंगल कॉमन रूट है क्या? एक ही कॉमन रूट है ना? हाँ, हैव अ कॉमन रूट.
हाँ, रेशियो परसेंट वाला कंसेप्ट लगेगा क्वेश्चन टू में भी और क्वेश्चन वन में भी, सीपी लग जाएगी सीधा। सर क्वेश्चन नंबर टू कंपोनेंट और डिविडेंड से कर सकते हैं? हाँ हाँ भाई, सॉरी, कंपोनेंट डिविडेंड मतलब, हाँ भाई, सी एंड डी।
अरे हुआ कि सब लोग सो गए कर रहे सो नैतिक कौन सा कर रहा है थर्ड कर रहा क्वेश्चंस कॉपी कर लिए सबने यस सर किया है पहला वाला सॉल्व करूं मैं पहला वाला क्वेश्चन क्या था बताओ तो इफ द पीएच क्यूएच आर एट सेट टर्म ऑफ एन ईपीआर इन जीपी प्रूव दैट पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस इज आल्सो इन जीपी एपी का टर्म है ना तो एपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं कॉमन डिफरेंस तो पीएच टर्म क्या होगा ए प्लस पी माइनस वन डी है ना फिर ए प्लस क्यू माइनस वन डी ए प्लस आर माइनस वन डी और ए प्लस एस माइनस वन डी ध्यान से देखो ठीक है क्या दिया हुआ है ये सारे टर्म किसमें है टीपी टीक्यू टीआर और टीएस ये सारे टर्म क्या दिए हुए हैं किसमें है जीपी में है अगर ये सारे टर्म जीपी में है तो क्या मतलब होगा टीक्यू बाई टीपी टी बाई टीपी टी आर बाई टी क्यू इज इक्वल टू टी एस बाई टी आर यही मतलब होगा तो अब बताओ टीक्यू क्या है ए प्लस क्यू माइनस वन डी और टीपी क्या है ए प्लस पी माइनस वन डी a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू टी आर क्या है a प्लस आर माइनस वन डी a प्लस क्यू माइनस वन डी a प्लस एस माइनस वन डी और a प्लस आर माइनस वन डी ये दिया हुआ है ना हाँ, सर. हम लोग को कैसे टर्म्स को जीपीपी अप्रूव करना है क्या करना है p माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस एस इसको जीपी अप्रूव करना है ना Yes, sir. तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या लगा दे सीपी लगा दे अगर सीपी लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ हेलो यस सर अगर सीपी लगा दिया इन दोनों में सीपी लगा दिया तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस 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 कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा ऊपर में क्यू माइनस आर बाई पी माइनस आर ये क्लियर पी माइनस क्यू इतना क्लियर है फिर इसमें लगा दिया तो क्या होगा आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर हो गया प्रूफ हाँ सर सर एक मिनट कॉपी कर रहे हैं
कॉपी करो सर, इसमें हमने क्या लगाया? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मुझे सी डी सुन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाई बी प्लस बी। सर मुझे सी डी सुनाई दिया। रख करें इसको सर, एक मिनट। हो गया सर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बताओ? ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स हम लोग को ए बी सी डी को जीपी में करना है ना? यस सर। ठीक है, तो पहले इन दोनों में सी एन डी लगा दो, पहले के दो में सी एन डी लगा दो, सी एन डी। तो सी एन डी लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बाय ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स बाय ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। चमक रहा है क्या? और यहां पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स बाई बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। बी बी कट गया, सी एक्स सी एक्स कट गया, बी एक्स कट गया, ए कट गया, बी एक्स रह गया, क्या बच गया? टू ए बाई टू बी एक्स, टू बी एक्स, टू बी बाई टू सी एक्स, है ना? तो टू 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 कट गया, x x कट गया, क्या आ गया? a by b is equals to a by c, b by c, a by b is equals to मैंने किया था तो आता है। हाँ आएगा ना, a by b तो तीनों में एक साथ c and d लगाने से भी आ जाता है। एक साथ तीनों में c and d लगती भी है क्या? दो दो रेशियो लगती है c and d तो। अब इसमें लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ? b by c is equals to c by d आ जाएगा मेरे ख्याल से। Yes sir। है ना? तो क्या आ जाएगा फाइनली? a by b is equals to b by c is equals to c by d। अरे बात चमकती है क्या? हाँ सर। yes, हाँ सर। तो हो गया ना फिर, सभी लोगों को क्लियर है भाई? yes, हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन क्या था बताओ? Do 1/b + 1/c. क्या था बताओ? Into 1/b + 1/c. हाँ। कॉम। B into 1/c + 1/a और c के साथ सिमेट्री क्या कहती है? क्या आएगा? 1/ab है ना? ये किस में है? AP में है? हाँ सर, AP में है। तो क्या प्रूफ करना है? कॉमन डिफरेंस लगाएंगे। ABC AP में है। तो ABC AP में प्रूफ करना है ना? Yes sir। ओह सर ऐसा कर सकते हैं ना, वो फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस लगा के। हाँ, वैसे ही मैं क्या सोच रहा था कि अपन डायरेक्टली कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि मतलब कुछ अच्छा हो जाए? सर प्लस वन ऐड कर देंगे सब में। बढ़िया, ब्यूटीफुल। तो 1/b + 1/c + 1 बी इंटू 1/c + 1/a + 1। अब ये प्लस वन क्यों चमका है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग प्लस वन नहीं सोचे थे वो सोच सकते हैं कि मैं प्लस वन का क्या करने वाला हूं। यहां पे वन को मैं a बाई ए लिखूंगा और यहां पर वन को क्या लिखूंगा बताओ? b बाई बी। और यहां पर वन को c/c। क्यों 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 क्यों, क्या फायदा हो रहा है? अभी अगर ए बाहर लूंगा निकालेंगे है ना? यस सर। ये समय सेम में हट गया तो क्या आ गया? एबीसी एपी में रह गया ना। यस सर। समझे क्या? यस सर। तो क्वेश्चन करना, देखो क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन दो तीन मेथड से होना चाहिए। सबसे पहले जब मेरे दिमाग में गया ना मेथड, वो था ना इन दोनों का डिफरेंस बराबर कर दूंगा और अपने आप ये आंसर आ जाएगा। ये पहला मेरा मन किया। फिर जब मैं ऐसा टर्म देखा ना तो फिर मैं सोचा है कुछ और कर सकते हैं क्या, सिमेट्री मेट्री सिला के। और जब मन में जो ही सिमेट्री आई ना, मैं सोचा यार कितना मजा आता अगर यहाँ पे 1/a होता, कितना मजा आता यहाँ पर 1/b आता। और जो ही मैंने ये सोचा ना कि यार 1/a आ जाए, तो मैं दिमाग में स्ट्राइक किया यार 1/a तभी आ सकता है जब a/a रहे और a/a का मतलब 1 1 1 दे दिया। ये बात चमकती है? सो क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, बट द वे हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन also holds bit of importance. इस मेथड से एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर वैसे करते हैं तो लंबा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। कैसा है ना कि अपने को क्वेश्चन पहले बनना चाहिए, एक बार जब अपने क्वेश्चन बनाने आ गया ना, देन वी कैन लुक फॉर गुड शॉर्ट मेथड्स। हम पहले ही अगर शॉर्ट मेथड जाएंगे तो कंसेप्चुअली गलत हो जाएंगे। कंसेप्चुअली क्वेश्चन में क्या था, मैं अगर मेरे को करने को होता पहली बार मैं टॉपिक पढ़ रहा होता वीडियो अटक गया क्या? वीडियो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही है? देखो वीडियो आया क्या? हाँ सर आया। हाँ सर आया। वापस स्टॉप हो गया लेकिन। हेलो। यस सर। और वीडियो आ रहा है ठीक से? हाँ सर अभी आया। चलो ठीक है, ये कॉपी कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? A B C in G P तो A raise to one by X equals B raise to one by Y C raise to one by Z. Put that X Y Z in A P. वापिस बोलो क्या था? A raise to A B C G P में है ना? हाँ. और क्या है? क्या दिया हुआ है? A by one by X is equals to B by one by Y is equals to C by one by Z है ना? तो प्रूफ क्या करना है? एक्स वाई जेड इन एपी. प्रूफ क्या करना है? एक्स वाई जेड इन एपी है ना. सर लॉग ले लेते हैं. हाँ हाँ सर लॉग जा. अब सर कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं. हाँ हाँ मैं कोई लॉग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने इक्वल टू एक्स के इसको मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ. ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा? k की पावर x. b कितना आ जाएगा? k की पावर y. और c कितना आ जाएगा? k की पावर z. ठीक है, क्या दिया हुआ है? a b c g p में है. अगर a b c g p में है तो इसका मतलब b square is equal to ac. अगर a b c g p में है तो इसका मतलब क्या होता है? b by a equal to c by b. b square equal to ac है ना. अभी बेटा b square कितना आ जाएगा? k की पावर 2y is equal to k की पावर x z. तो ये तो कट जाएगा, तो क्या आ गया? 2y is equals to, ये क्या किया मैंने? So, x plus 0. हाँ हाँ हाँ. अरे एक ले रहे क्या? हाँ सर. हाँ सर. कॉपी करो. यस सर. करो. सर लॉग से करने पे थोड़ा अजीब आ रहा है. हाँ तुम गंदगी फैलाओ और मैं साफ करूं. बोलो मैं क्यों लॉग के गंदगी में जाऊं? लॉग ले लो, आ जाएगा लॉग से भी. बेस वेस ढंग से लेना पड़ेगा बस. नहीं करना मेरे को लॉग से, मैं ज्यादा अच्छा, मैं हैप्पी हूं ऐसे करने में. ठीक है, कॉपी करो. कॉपी कर लिए? हेलो सर. हाँ किया कॉपी. यस सर. ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा. एक जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो पहले बता दूं. 111 कितनी बार था? 65. और हिंट क्या था सर? 111 इक्वल टू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस. तो इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर 64 माइनस प्लस 10 की पावर 63 अप टिल 1. ठीक है. हां सर. यस सर. अभी इसका मतलब क्या? ये तो जीपी है ना, इस जीपी का सम क्या होगा बताओ? तो 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर. बस तीन चार लोगों ने सॉल्यूशन भेजा मुझे इसका, बाकी किसी ने नहीं भेजा. अन्वेषा तुमने नहीं भेजा सॉल्यूशन मुझे इसका? इस जीपी का सम क्या होगा? 10 की पावर 64 माइनस 1. ना तो मुझे विदुषी ने भेजा, किसी ने नहीं भेजा. सर मुझे पता ही नहीं था कि सॉल्यूशन भेजना है. अच्छा ठीक है. टेन की पावर 64 तो एंथो नहीं है जोश में तेरे सर को दिखा के हीरो बने कि बन गया मेरा. कैसे लोग हो यार. टेन की पावर 65 माइनस. अब देखो क्या है ना, नाउ थिंक कि 65 जो है ना वो 30 × 5 है. ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, ध्यान देना. बोलो चमकता है क्या? यस सर. यस सर. आपको ये चमकता है? 30 × 5 65 हो जाएगा. यस. अरे हाँ है ना. हाँ सर. हाँ सर. तो अब ये जो है एक अलग जीपी है और ये जो है अलग जीपी है ना. तो इस जीपी की वैल्यू, ये किस जीपी का सम लिखा है बताओ? तो 1 प्लस 10 की पावर 13. कितने टर्म्स है इस जीपी में? 5 टर्म्स है. इनटू ये वाला क्या है? हेलो. इनटू
ये क्या होगा बताओ, 1 प्लस 10 अप टिल 10 की पावर 12, ये बात चमकती है क्या? तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो नंबर है ये दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में आप ब्रेक कर पाए ना, आप दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाए, अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब, इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये बात चमकती है क्या? इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, देखो 13-5 किया है ना, मैं 5 अंदर 13 बाहर भी कर सकता था, वो भी सही था। तो कैसे होता बताओ, अगर मैं वैसे करता तो कैसे होता बोलो? 10 की पावर 5 की पावर 13 माइनस 1 है ना, और यहाँ पे क्या आता, 10 की पावर 5 माइनस 1 इंटू, अरे बोल दो, चमका, ये भी एक तरीका है ना सॉल्व करने का। हाँ सर। यस सबको क्लियर है क्या? सेकेंड लास्ट स्टेप एक बार समझाइए ना। यहाँ पे बता, ये क्लियर है तेरे को यहाँ तक? हाँ सर। ये चीज चमकी तेरे को, मैंने दो कैसे ब्रेक कर दिया? हाँ सर समझा। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ये इस जीपी का सम लिखा हुआ है ना, देखना आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो एक जीपी का सम लिखा है ना, इसका फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन रेशियो 10 की पावर 13 है। ओके सर। ये देख 10 की पावर 13 माइनस 1 बाय 10 माइनस 1, ये भी एक जीपी का सम है ना, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 10 है। सर जो दूसरा जीपी जो बनाया सर, उसमें लास्ट टर्म 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 भी होगा ना, अगर अगर 13 टर्म्स हैं 10 की पावर 12 भी होगा ना, 10 की पावर 13 नहीं होगा, 10 की पावर 12 होगा ना, फर्स्ट टर्म 1 से शुरू किए हो। हां सर समझा सर। अरे क्लियर है क्या सभी को? हां सर क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो है एनसीईआरटी का ही 9.3 है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन तीन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, 9.1 9.2 9.3। ओके सर। ठीक है सर, एक भी कॉपी कर रहे हैं। हाँ कॉपी करो। सर आपने वो कॉम्पोजिट का एक्सप्लेनेशन क्या दिया था? बेटा दोनों, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये नंबर किस में ब्रेक हो गया? दो इंटीजर के प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया है ना। यस सर। तो कॉम्पोजिट हो जाएगा ना बेटा, है ना? एक मतलब अगर हम 10 रेज टू पावर 65 माइनस 1 एक 9999 बनेगा, 659 वाला एक नंबर, फिर उसको 9211111 ऐसे ही तोड़ तोड़ सकते। हाँ तो फिर बताओ, पूरा बताओ। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिना मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बताओ। सर मतलब अभी वो 10 रेज टू पावर 65 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, अभी उसको सॉल्व करेंगे तो एक 65 एक नंबर बनेगा जिसमें 65 नाइन्स होंगे। ठीक है, फिर उसको 9 इंटू 1111 क्या कहा तू? कह रहा है मेरे को सर यहाँ पर आपके इस नंबर को मैंने 9999999 लिख दिया, ठीक है? हाँ सर। और यहाँ पर 9 ऑलरेडी है, डिवाइड कर दिया, मेरे पास वापस से आ गया ना 1111111 65 टाइम्स, तो कंपोजिट कहाँ प्रूव हुआ? अच्छा हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय, होमवर्क करके आने क्लास में, ठीक है? बाय सर।